दोस्तों, मैं अपने काम में लैपटॉप और पीसी का दोनों का यूज़ करता हूं और कहीं ना कहीं आपके पास लैपटॉप होगा या हो सकता है आपके पास पीसी होगा, लेकिन गाइस जब हम कभी भी वीडियो कॉल करते हैं या फिर मीटिंग करते हैं या हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या फेसबुक पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आती होगी कि जो कैमरे की क्वालिटी होती है लैपटॉप की या हमारे डेस्कटॉप की बहुत ही ख़राब होती है। लेकिन गाइस आज मैं आपको बहुत ही कमाल का जुगाड़ बताऊंगा। जुगाड़ बेसिकली ये है कि आप जो अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है या फिर हो सकता है आप एप्पल यूज़र हो, आईफोन यूज़ करते हो, तो आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से एकदम फ्री में। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पीसी पर आना है और आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है IVCAM फॉर विंडोज। सर्च करते ही आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है e2esoft.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपल सा आप सबसे पहले अपने पीसी और लैपटॉप के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है तो आप दूसरी वेबसाइट से भी यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेबसाइट की आपको होम पेज नज़र आएगा, तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड विंडोज़ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐड यहाँ पर नज़र आएंगे, इसको आप क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस तरीके से यहाँ पर जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस करना होगा और यहाँ पर ओके करेंगे। और यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप पीसी पर जो है इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम इसको करते हैं फिनिश और यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर का आइकन नजर आएगा IVCAM। अगर आपको यहाँ पर नजर नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो सर्च करेंगे IVCAM तो इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर नजर आएगा। तो यहां पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और इसको मैं यहां पर साइड कर लेता हूं। अब आपको एक काम करना है, आना है आपको अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर या फिर अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप जो है अपने आईफोन के ऊपर जाएंगे। जैसे अभी मैं एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा हूं तो मैं यहां पर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर आपको सर्च करना है IVCAM और अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो आपको एप्पल स्टोर में जाना है और आप वहां पर भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने IVCAM वेबकैम सॉफ्टवेयर को अपने फोन पर जो है डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आप यहां पर सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपने मोबाइल फोन के ऊपर और कुछ परमिशन आपसे पूछेगा तो आप इसको अलाउ करते जाएंगे। यहां पर हमने परमिशन को अलाउ कर लिया है। अब गाइज याद रखिएगा, अगर आपका लैपटॉप या पीसी या आपका फोन जो है एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट है, यानी कि अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या फिर एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है आपका फोन, तो इस तरीके से आपके फोन पर जो है इस तरीके से आपको नजर आएगा आपका वाईफाई का नाम। जैसे हमारा वाईफाई घर पर लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो हमारा नाम है हम सफर टैग, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे होगा क्या कि सीधा डायरेक्टली जो है वाईफाई के थ्रू जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, हमें वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बाद आपको कैसे विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के आपको कैसे डेटा केबल कनेक्ट करके जो है इसको करना है, यानी कि कनेक्ट करना है। तो चलिए पहले जानते हैं वाईफाई के थ्रू कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा वाईफाई दिखा रहा है हम सफर टैग, हम इसको क्लिक करेंगे और अभी आप देखो गाइज कि आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर इस तरीके से परमिशन आएगी, हम ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं फ्रंट कैमरा आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी आ चुका है ना, और हमारे फ़ोन पर भी आ चुका है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, आप देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हमारे फ़ोन का जो HD कैमरा है वो हमारा PC पर यूज़ हो पा रहा है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ है तो आपको डेटा केबल के थ्रू कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वाईफाई कनेक्शन को यहाँ पर जो है ऑफ़ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ़ कर लिया है। अब गाइज हम करेंगे ये कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा केबल को अपने लैपटॉप से और PC से कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर डेटा केबल को कनेक्ट कर लिया है। अब गाइज आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक सेटिंग करनी है, आपको जाना है सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर आपको आना है सबसे लास्ट में और यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर लास्ट में आपको जाना है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा
बिल्ड नंबर एक ऑप्शन है, आपको सिंपली यहाँ पर 5 से 6 टाइम यहाँ पर क्लिक करते रहना है और उसके बाद जो भी आपका स्क्रीन का लॉक है उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ चुका है यू आर नाउ ए डेवलपर, यानी कि हमने यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को टर्न ऑन कर लिया है। अब आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सिस्टम का जो है सेटिंग नज़र आएगा, आप क्लिक करेंगे और नीचे आ पाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन आ चुका है और नीचे आप आएंगे यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना होगा यूएसबी डीबगिंग। तो यहाँ पर आपको यूएसबी डीबगिंग को ऑन करना है और ओके करना है। यहाँ पर हमारा टर्न ऑन हो चुका है और हमने अपना डेटा केबल भी यहाँ पर जो है इजिली कनेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। अभी गाइस हम क्या करेंगे, हमने ये सेटिंग करने के बाद अपना डेटा केबल को अपने लैपटॉप पीसी से कनेक्ट भी कर लिया है और आप देखो कि डायरेक्टली हमारा जो है आईवी कैम जो है डायरेक्टली डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। अब आप बहुत ही आसानी से जो है अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा एज ए वेबकैम यूज़ कर पाएंगे। चलिए गाइस अब जानते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर ना फेसबुक और यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करनी है, यानी कि लाइव करना है। लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप पीसी पर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अब आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, राइट साइड पर आपको 3 डॉट नज़र आएंगे और आपको गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाएंगे साइड सेटिंग्स के ऊपर। साइड सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक कैमरा का सेटिंग दिखेगा तो आपको कैमरा के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस याद रखिएगा ये जो आपका सेटिंग में यहाँ पर ना अगर दूसरा ऑप्शन कोई चूज है तो आपको इसको E2E सॉफ्ट IV कैम को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है IV कैम, तो यहाँ पर ये सेटिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी है तभी ये वर्क करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमने यहाँ पर सेटिंग कर लिया है, अब हम एक टैब नया ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले फेसबुक से लाइव स्ट्रीमिंग आपको कैसे करनी है तो यहाँ पर हमारा एक पेज है नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स का जिसमें हम बहुत अच्छे से ब्लॉग्स बनाते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ करके कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा मोर के ऊपर और यहाँ पर है लाइव वीडियो, तो लाइव वीडियो पे जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी आप गाइस देखिएगा इस तरीके से आपके पास सेटिंग आएगा, गो लाइव के नीचे आपको नज़र आएगा इस तरीके से सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना उसके बाद आपकी यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर का यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट है तो हमें इसको करना है वेबकैम। जैसे गाइस आप वेबकैम करेंगे ना आपको इसको परमिशन अलाउ करना होगा, जैसे ही आप यहाँ पर अलाउ करेंगे और यहाँ पर आपको करना है इस तरीके से और यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज और इसको क्लोज और अभी क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमारी जो है वीडियो सामने आपको नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको फ्रंट कैमरा अपने मोबाइल फ़ोन का जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा ओपन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है मेरी वीडियो दिख रही है। अब गाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप सिंपल यहाँ पर देखिएगा गो लाइव का एक सेटिंग है, आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी सेटिंग आपको करनी है ना आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और आप देखिएगा माइक्रोफोन भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कोई माइक्रोफोन अटैच करके रखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी है, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर लाइव करना है आप यहाँ पर लाइव करके अपनी सेटिंग करके बहुत ही आसानी से लाइव कर पाएंगे। फिलहाल मुझे लाइव नहीं करना है बिकॉज अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आपको यूट्यूब पर कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं youtube.com की वेबसाइट और यहाँ पर youtube.com आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा चैनल के ऊपर जो है क्रिएट हम करेंगे और गो लाइव के ऊपर हम क्लिक करते हैं। गो लाइव करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इस तरीके से जो सेटिंग नज़र आएगी तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वेबकैम का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, तो गाइस याद रखिएगा इसको आपको हमेशा अलाउ करना है, जब आप अलाउ करेंगे तभी आपकी वॉइस यहाँ पर जो है एक्सेस करेगा ये। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा वेबकैम आ चुका है बिकॉज हमने अपने क्रोम की सेटिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आप नाउ मोड में करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है और भी सेटिंग्स देखने को मिलती है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे और यहाँ से इजीली आप जो है लाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा एज ए वेबकैम यूज़ कर पाएंगे।